हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, दिस इज मी मोहम्मद अमगा मोहम्मद। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग सब कैरियर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी एनिवर्सरी। जी हाँ, DMHM प्लेटफॉर्म को पूरे 3 साल हो गए आज, और आज DMHM प्लेटफॉर्म 3 साल का हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और मेरे सामने एकदम से सारी वो चीज़ें आ गई जो 3 साल में DMHM प्लेटफॉर्म के ज़रिए हुई। और मैं आज यहाँ क्यों आया हूँ, आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ, और बात करने के साथ साथ मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट भी करने आया। आज 26 जून है, तो मेरी बर्थडे भी है, सालगिरह है, तो बहुत सारे लोग हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, तो उन सब का तो शुक्रिया, लेकिन साथ में वो लोग कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे हैं। आप लोगों के कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस आ रहे हैं DMHM प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, तो आप सबको मैं यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। आप लोगों को सलाम है कि जिस तरीके से आप लोगों ने पिछले 3 सालों में कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया है, अपना फीडबैक दिया है, रिस्पांस दिया है, और जिस तरीके से आप लोग DMHM प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं, इट्स अनबिलीवेबल। मेरे पास अभी इस वक्त अल्फाज नहीं है, लेकिन यहाँ आने की एक दो और वजूहात हैं, एक दो और वजह है जो मैं अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, तो एक दो चीज़ें जो मुझे लगता है कि बताने से लोगों का फ़ायदा होगा, वो आज मैं शेयर कर देता हूँ। मैं आज जो टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, वो मैंने आज तक कभी नहीं की इस टॉपिक पर बात, सेटिस्फैक्शन। और क्योंकि आज DMHM प्लेटफॉर्म के 3 साल पूरे हुए हैं, तो मैं उससे लिंक करके आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि सेटिस्फैक्शन क्या होती है और किस तरीके से DMHM प्लेटफॉर्म में सेटिस्फैक्शन का रोल है। तो जब 2018 में DMHM प्लेटफॉर्म शुरू हुआ और मैंने MCAT के थ्रू शुरू किया, उस वक्त मैं कोई और वीडियोस नहीं बनाता था, सिर्फ MCAT की हवाले से काम शुरू किया मैंने, और ना उस वक्त वेबसाइट थी, ना कुछ, ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था, ना स्नैपचैट था, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे 10 लोग थे जिनको MCAT के बारे में जानना था, और चूँकि वो बात ऑडियो के ज़रिए क्लियर नहीं हो पा रही होती थी, तो मैं एक वीडियो बना दी और वो अपलोड कर दी, और फिर वो सिलसिला शुरू होता गया। उसके पीछे भी एक पूरी बैकग्राउंड स्टोरी है, वो मैं फिर कभी बताऊँगा, लेकिन इस तरह सफ़र शुरू हुआ और आज माशाल्लाह आपके सामने है। लेकिन शुरुआत में काफ़ी लोगों ने अजीब सा भी कहा कि यार ये क्यों, ये क्या, ये वो, कहने वाले जितने मुंह उतनी बातें, तो अब एक माइंड क्लियर था कि क्या करना है। इस पूरे 3 साल के अरसे में DMHM प्लेटफॉर्म से 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, बाकी कितने जो जनरल वीडियोस के लिए कनेक्टेड होते हैं उसका हमें आइडिया नहीं है, उसका कोई उसकी कोई वो नहीं है, काउंटिंग नहीं है, लेकिन जितने स्टूडेंट्स कनेक्टेड हुए हैं वो 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स कनेक्टेड हो चुके हैं इस पूरे 3 साल के अरसे में, और आगे ऑब्वियसली इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा होते रहेंगे। लेकिन द पॉइंट जो आज मैं जिस पॉइंट को हाईलाइट करने आया हूँ, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आपके सब्सक्राइबर इतने नहीं हैं, या आपके फेसबुक पे फॉलोअर्स इतने नहीं हैं, या आपके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स नहीं हैं, या जो भी है। मैं आज इस चीज़ को क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी यहाँ बैठे बैठे सोचूं कि मुझे अगले 2 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर करने किसी भी तरीके से, तो मैं कुछ भी करके, मुझे पता है क्या क्या करना है, किस तरीके से क्लिकबेट का यूज़ करना है, कुछ भी करके मैं 10,000 सब्सक्राइबर कर लूँगा। उसके बाद क्या? उसके बाद फिर मेरे अंदर एक चाहत होगी कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। फिर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, फिर 5 लाख की चाहत होगी, 5 लाख भी हो जाएंगे, क्योंकि मैं उसी सब्सक्राइबर की रेस में लगा रहा हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। मैं 100 मिलियन पे भी पहुंच जाऊं, फिर क्या, काउंटिंग खत्म हो जाती है? नहीं,
ये जो नंबर्स की रेस होती है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होती, इसकी कोई एंड नहीं है। एक रैबिट होल है बेसिकली, जिसमें आप जाते ही जाते हो, इसका कोई एंड नहीं है। तो जिस चीज़ का कोई एंड नहीं है, उस चीज़ के पीछे भागने का कोई तुक नहीं बनता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके 100 मिलियन हो गए हैं, 10 मिलियन हो गए हैं, 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, तो आप उस चीज़ को सेलिब्रेट ना करो। आपको नहीं, मेरे लिए 10,000 सब्सक्राइबर मायने नहीं रखते, मेरे लिए 5,00,000 सब्सक्राइबर होना कोई बड़ी बात नहीं है, या कोई मुझे सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप लाइफ में कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे। सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन उस सेलिब्रेशन पे रुकना नहीं चाहिए। आप दुनिया में हो या यूट्यूब में हो या कहीं पर भी हो, मेरे हिसाब से नंबर्स की रेस जो है ना, ये एक रैबिट होल है। एक तरीके से कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्शन हो सकता है जहाँ पे उसका कोई बेनिफिट हो, वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे एक्चुअली इस नंबर की रेस में लगने का कोई तुक नहीं है। तो मैं अगर 100 मिलियन पे भी पहुँच जाऊँ, और मुझे 100 मिलियन पे क्या करना है वो मैं अभी भी कर सकता हूँ, तो मैं 100 मिलियन सब्सक्राइबर होने का वेट क्यों करूँ? मैं अभी वो काम कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मुझे एक मैसेज आया कि मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स को फेसबुक पे गाइड करता हूँ। और क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ और आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं, तो मैं भी फेसबुक पे ग्रुप्स पे ऐड होकर कॉमर्स के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई उस कॉमेंट को पढ़ के कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो मेरा मकसद लोगों की हेल्प करना है, मेरा मकसद लोगों को सर्व करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिज़ल्ट नहीं देखता, मैं रिज़ल्ट देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि लोगों का फीडबैक क्या आ रहा है, और उस फीडबैक को ऑब्ज़र्व करता हूँ, समझता हूँ। क्रिटिसिज्म जो लोग बुरा भला कहते हैं वो कहते ही रहेंगे, उनको मैं नहीं सोचता, लेकिन जो काम की बात करते हैं वो आपको पता चल जाता है। कमेंट्स पढ़ के, मैसेज पढ़ के, इंस्टाग्राम पे डीएम पढ़ के आपको पता चल जाता है कि वो किस पर्सपेक्टिव से वो बंदा बात कह रहा है। तो अगर तो वो सही पर्सपेक्टिव से कह रहा है तो उसकी बात को समझना चाहिए। तो मैं ये करता हूँ। और अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ DMHM प्लेटफॉर्म की, तो आज से 3 साल पहले AskMHM नहीं होता था, आज होता है। आज से 3 साल पहले ईजी मेडिकल बुक नहीं थी, आज है अल्हम्दुलिल्लाह। आज से 3 साल पहले MCAT स्टूडेंट्स के लिए कोई बुक नहीं थी, आज है। आज से 3 साल पहले Dr. MHM के लेक्चर्स नहीं थे, आज हैं। आज से 3 साल पहले ये जो आज कुछ हो रहा है, वेबसाइट भी है, फ्री के लेक्चर्स भी हैं, शॉर्टकट्स भी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वेबसाइट पे सब कुछ मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए और आसान हो गई हैं, तो वो 3 साल पहले नहीं थी, लेकिन आज हैं। अब यहाँ ये देखना है कि क्या DMHM प्लेटफॉर्म जो पहले दिन था आज भी वही है? नहीं, आज उसने ग्रो किया है, लेकिन काम उसने वही किया जो वो शुरू से कर रहा था। DMHM प्लेटफॉर्म का मकसद क्या है? स्टूडेंट्स की, यंगस्टर्स की हेल्प करना, उनको अपने मकसद में, जो वो ज़िंदगी में करना चाहते हैं, उनको बताना कि हाँ, ये चीज़ इस तरीके से भी हो सकती है। हम छोटी छोटी बातों को बड़ी बात बना लेते हैं, अपने दिमाग में हावी कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा बना लेते हैं, हालांकि प्रॉब्लम छोटी सी होती है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को पता नहीं क्या समझ बैठते हैं। अब ये प्रॉब्लम आ गई, सब खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम आती है, उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड कर दूँ, थिंकिंग प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। अगर कोई इंसान सोचता रहता है तो रिजल्ट नहीं आ सकता। अगर कोई इंसान सिर्फ एक्शन लेता है विदाउट थिंकिंग, तो उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई थिंकिंग प्लस एक्शन करता है तो रिजल्ट एक सही डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगा, और इसे ही स्मार्ट वर्क कहते हैं। तो ये है ग्रोथ। तो रिजल्ट आपका थिंकिंग प्लस एक्शन से आता है, सिर्फ सोचने से या सिर्फ करने से नहीं आता, सोचने से और करने दोनों से कोई भी काम अपने अंजाम तक पहुंचता है। तो आज DMHM प्लेटफॉर्म के जो 3 साल पूरे हुए हैं, तो मैं आज इसीलिए इन बातों को क्लियर करने आया हूं। बहुत सारी और बातें भी हैं, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं बहुत कुछ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें जो क्लेरिफाई कर सकता हूं और जो मुझे लगता है कि इससे लोगों की हेल्प होगी, वो मैंने आज आके कह दी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट DMHM प्लेटफॉर्म। ये है DMHM प्लेटफॉर्म, और ये प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है, ये प्लेटफॉर्म आप सबका है। तो इसीलिए आज कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को करना बनता है।
मुझे आप लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे बर्थडे विशेस भेज रहे हैं, वो भी ठीक है, थैंक यू सो मच। लेकिन आप लोगों को DMHM प्लेटफॉर्म के 3 साल का पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है। आप लोगों ने जिस तरीके से सपोर्ट किया वो अनबिलीवेबल है, वो मतलब अल्फाजों में बयान करना पॉसिबल नहीं है। एक और बात क्लियर कर दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि आप सिर्फ MCAT स्टूडेंट्स की गाइडेंस क्यों देते हैं, बाकी कॉमर्स और इंजीनियरिंग के हवाले से क्यों नहीं देते। तो इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन जी हाँ, इट टेक्स टाइम, हर चीज़ का एक टाइम लगता है, उस वो पाइपलाइन में होती हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, वो इंशाल्लाह आपको एक एक करके नज़र आएंगी। एक लास्ट सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा और फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। सवाल बड़ा, बहुत सारे लोग इस तरह का सवाल करते हैं या इससे रिलेटेड ही घुमा के पूछ लेते हैं कि आप जो ये काम कर रहे हो उसका आपको मतलब जब फीडबैक मिलता है तो कैसा लगता है। सो आज मैं बता देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेटफॉर्म है DMHM प्लेटफॉर्म, ये जो काम हो रहा है, जो मैं कर रहा हूँ या जो ये प्लेटफॉर्म कर रहा है, ये काम होना था, ठीक है। और मेरे लिए ये एजाज़ की बात है, काम जो हो रहा है ये मेरे ज़रिए हो रहा है, तो आई फील ब्लेस्ड एंड आई एम थैंकफुल। ये अल्लाह का करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, पेरेंट्स की दुआएं हैं और फैमिली का सपोर्ट है। और मुझे अक्सर ये लगता है, बल्कि अब तो मेरा यकीन हो गया कि जो प्लेटफॉर्म है ना, ये ऑब्वियसली मेरे माँ बाप की दुआओं से तो चल ही रहा है, साथ साथ और माँ बाप की दुआओं से भी चल रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हर दो दिन बाद जो है ना, कोई ना कोई नोन नंबर से या अननोन नंबर से DMHM प्लेटफॉर्म के नंबर पे कोई रिकॉर्डिंग आ जाती है, कभी कोई ईमेल आ जाती है, कभी कोई इंस्टाग्राम पे कोई अपने स्टूडेंट, जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी मदर के की रिकॉर्डिंग सेंड कर देते हैं, और वो एक अलग ही फील होती है। और उस रिकॉर्डिंग में दुआएं होती हैं, और वो कभी कोई आंटी कह रही होती है, कभी कोई अंकल कह रहे होते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी आपके प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, आपकी वीडियोज़ देखते हैं, उनमें एक चेंज आ रहा है। तो इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती, और इसलिए मुझे लगता है कि ये ऑब्वियसली माँ बाप की दुआओं से प्लेटफॉर्म चल रहा है। तो अपने माँ बाप को कहा करें कि इस प्लेटफॉर्म के लिए मेरे लिए दुआएं किया करें। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप 3 साल तक इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहे, आगे भी आपने कनेक्टेड रहना है, अपने दोस्तों को भी बताना है ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो जाएं। और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी एनिवर्सरी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, फ़ी अमानिल्लाह।